बॉलीवुड की हर खबर के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और जुड़े रहिए व्हाट्सएप बॉलीवुड के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्हाट्सएप बॉलीवुड। बॉलीवुड में सफल मुकाम हासिल करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। कड़ी मेहनत के बाद भी यहाँ कई स्टार्स ऐसे हैं जिनका करियर कुछ फिल्मों में ही सिमट कर रह गया है। तो आज हम आपको उन्हीं एक्ट्रेसेस के बारे में बताने जा रहे हैं जो भले ही फिल्मों में फ्लॉप रही हो लेकिन आज भी एक रॉयल लाइफ एंजॉय करती हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है सुष्मिता सेन का। 1994 में फेमिना मिस इंडिया यूनिवर्स बन चुकी सुष्मिता सेन ने अपने करियर में कुछ खास कमाल नहीं दिखाया। भले ही उन्हें फिल्मों में मेन लीड के तौर पर ज्यादा काम ना मिला हो लेकिन अपने स्मॉल अपीयरेंस के लिए वो करीब 3 करोड़ की भारी भरकम फीस लेती हैं। इसके अलावा वो दुबई में एक ज्वेलरी ब्रांड भी चलाती हैं और कई रियल एस्टेट ब्रांड्स को प्रमोट भी करती हैं और इस तरह से सुष्मिता सेन एक लग्जरी लाइफ जीती हैं। शिल्पा शेट्टी की बहन शमिता शेट्टी ने भी बड़े पर्दे से बहुत जल्दी दूरी बना ली। एक के बाद एक कई फिल्में फ्लॉप होने लगी और शमिता को बॉलीवुड में काम मिलना भी बंद हो गया, जिसके बाद वो फिलहाल इंटीरियर डिजाइनिंग का काम कर रही हैं और कई ब्रांड्स जैसे ऑल्डो, ऑडी, इजाज आदि के साथ भी जुड़ी हुई हैं। ब्रांड एंडोर्समेंट करके शमिता शेट्टी अच्छे खासे पैसे कमा लेती हैं और इस तरह से वो अपनी लग्जरी लाइफ अफोर्ड कर पाती हैं। फिल्मों में बोल्ड अवतार अपनाने के बाद भी एक्ट्रेस सेलिना जेटली का करियर पीक तक नहीं पहुंच पाया। उन्होंने फिल्म जानशी, अपना सपना मनी मनी, खेल जैसे कई फिल्मों में काम किया लेकिन वो लोगों के दिलों में अपनी जगह नहीं बना पाए। इसके बाद सेलिना ने ऑस्ट्रिया के एक शख्स पीटर हॉक से शादी कर ली। इन दिनों वो दुबई में रह रही हैं। बताया जाता है कि 2015 में उन्होंने एक वीडियो द वेलकम को अपनी आवाज दी थी और इसके लिए उन्हें मोटी रकम मिली थी। बला के खूबसूरत होने के बाद भी आयशा टाकिया फिल्मों में खुद को एस्टेब्लिश नहीं कर पाई। उन्होंने फरहान आजमी से शादी कर ली। फरहान राजनेता अबू आजमी के बेटे हैं और कई होटल्स के मालिक भी हैं और इस तरह से आयशा टाकिया शादी के बाद और फिल्मों में ज्यादा काम ना मिलने के बावजूद भी एक लग्जरी लाइफ स्पेंड करती हैं। बॉलीवुड के फिट एक्ट्रेस और फेमस डांसर मलाइका भी फिल्मों में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। उन्होंने खुद को एज अ आइटम डांसर के तौर तक लिमिट कर लिया। फिलहाल वो रियलिटी शोज को जज करती हैं और साथ ही साथ उनका साइड बिजनेस भी है। इसी के साथ मलाइका के ई कॉमर्स लाइफस्टाइल ब्रांड द लेबल लाइफ में हिस्सेदारी भी है। फिल्म तुमसे अच्छा कौन है, मोहब्बते, नहले पे दहला जैसी कई सुपरहिट फिल्मों के बाद भी किम शर्मा का करियर बॉलीवुड में ज्यादा नहीं चल पाया। अपने डूबते करियर को देखते हुए उन्होंने बिजनेसमैन अली पंजानी से शादी कर ली। कुछ सालों बाद उनकी ये शादी टूट गई। इसके बावजूद किम शर्मा केन्या में पंजानी होटल्स की मालकिन हैं और एक शानदार लाइफ एंजॉय कर रही हैं। वेल, तो ये थी उन एक्ट्रेसेस की लिस्ट जो भले ही अब बॉलीवुड में एक्टिव नहीं है और बॉलीवुड में एक फ्लॉप एक्ट्रेस के तौर पर जानी जाती हैं लेकिन रियल लाइफ में एक लग्जरी लाइफ स्पेंड करती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए व्हाट्सएप बॉलीवुड।